लो ये सानू ग्लास मार के जी चले डाल दे ओके जी शुक्र है देगा ही ना है जी एम नज़ीर ना ये तो ना जी बस ये राती साढ़े ग्यारह बजे निकलते हैं लोड़ो बड़ा मशहूर टाइम लो जी पानी चेक करो जी कि आया लोड़ से कि बारिश हो गई थी लोड़ चेक करो पानी पानी हो गया लोड़ तो पई अस्सलामुअलैकुम उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे खैर खड़ी अच्छे होंगे तो आज हम जा रहे थे लोड़ तो मैंने चलो एक वीडियो बना लीजिए इस वीडियो में बस में सफ़र तो नहीं कर रहा लेकिन इंशाल्लाह आपको बसें जो है वो सारी दिखाऊंगा तो चलते हैं मंजिल की तरफ अपनी तो सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल डलवाने के साथ साथ हमने गाड़ी में वो हवा वगैरह चेक करवाई कि हवा वगैरह पूरी है कि नहीं क्योंकि सफ़र लंबा है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो ये ज़रूरी चीज़ निकलते तो सबसे पहले बस देखे बट ब्रदर्स की छत पर बैठे हैं बच्चे तो ये है जी हम नाड़ोवाल की तरफ चल पड़े मैं मतलब कि यहाँ से हम जाएंगे नाड़ोवाल और नाड़ोवाल से लाहौर तो अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ तो देखते हैं आगे क्या कौन सी बस मिलती है हमें तो ये अब हम पहुँच चुके हैं दमतल तो जो जो लोग दमतल से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट वगैरह ज़रूर करना और बताना कि आप और बाकी लोग भी जो जो जहाँ से भी जिस गांव से या शहर से वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट करना कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में किस शहर की या किस बस की बनाऊँ और ये हम गुजर रहे हैं से तो ये अब हम पहुँच चुके हैं नाड़ोवाल ये नाड़ोवाल का घंटागढ़ इसे मुजफ्फरवाल बाईपास भी कहते हैं तो ये मुड़ रहे हैं हम जी के नाड़ोवाल से हम लाहौर की तरफ तो ये है जी नाड़ोवाल का लड़ी अड्डा पहली दफ़ा ही होए कि आज यहाँ पे बस ही कोई नहीं है स्ट्रेंज तो ये है जी नाड़ोवाल माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है नाड़ोवाल ऐसा नहीं पास हमने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं यहाँ पे चेक करे नाड़ोवाल तो ये देखें जी यहाँ पे भी हमारी वाली साइड में काम हो रहा था इसलिए हमें उल्टी साइड पे आना पड़ेगा तो ये है जी उल्टी साइड पर वहाँ गए हैं तो ये है जी हाफ द बार टाइम तो नया चला तो ये चेक करें तो यहाँ से अब सीधी सड़क है जाड़ी से एयरपोर्ट देखना हम तो जाना लौट दो हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ लो जी ये आ गई हमारी 47-55 ग्रुप की बस तो अब हम चढ़ चुके हैं नाड़ोवाल मरीद के रोड पे तो ये अब हम नाड़ोवाल मरीद के रोड पे चढ़ चुके हैं तो ये देखें जी यहाँ पे भी हम उल्टी साइड से जाने को लेफ्ट साइड पे काम हो रहा है मशीन चेक करो कि नहीं बड़ी मशीन तो यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम है थोड़ी बहुत तो ये जी एक और बस आ गई है देखते हैं कौन सी बस आई है ये पिक्चर ब्रदर्स की बस है 273 अभी हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ लाहौर की तरफ तो देखते हैं आगे कौन कौन सी बसें मिलती हैं तो बड़ा मेहरबानी यार वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि वो है आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो ये है जी नजर बनाए तो रात 11:30 का टाइम बड़ा मशहूर टाइम है मुजफ्फरवाल का रात 11:30 जब निकलता है मैं कहना क्या ही बात है स्पीड है जी भाई 120-130 इन्नी स्पीड होंगी इस तो घट स्पीड मार देनी ना घट टाइम है और ये दिन में 4 चक्कर लाता है लाहौर मुजफ्फरवाल फिर लाहौर फिर मुजफ्फरवाल किंगला है बड़ा ज़्यादा लंबा रोड है लेकिन नॉन स्टॉप ही है ये हम तलवंडी पहुँच चुके हैं तो ये एक और बस नज़र आ रही है देखते हैं कौन सी बस है ये अजी है थ्री ग्रुप की बस अपनी मंजिल की तरफ फिर से तो ये आ रहा जी इसी टाइम आ रहा है मुजफ्फरवाल का ये बट ब्रदर्स का ये जी बारिश काफ़ी हो रही है तेज़ हो रही काफ़ी एक और बस आ गई फिर से
पॉसिबल नहीं है कि आप इस रोड में सफर कर रहे हो बस में बन रहा है यहाँ से अब हम चढ़ रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ तो मोटर पे चढ़ जाएंगे यहाँ फिर सीधा ही मई की तरफ निकल जाए देखते हैं क्या करते हैं तो ये है जी मोटर तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जाएंगे मोटर पे लेकिन जा नहीं सकते मोटर पे क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ना ही हमारी गाड़ी में टक लगा हुआ है और ना ही लाइसेंस है हमारे पास तो इसलिए हम चलिए हम सीधा ही चलते हैं तो अब हम जा रहे हैं मरीज की तरफ तो जी लोड तो हम पहुँच चुके हैं ये देखें लोड का अब हम एंटर हो चुके हैं तो लास्ट देखें लोड ये है जी डावी का पुल दराई डावी का पुल है ये और रश चेक करें हमारी राइट साइड कितना रश है बसें हैं गाड़ियाँ मेरा से वो नया पुल बन रहा है दराई डावी पे शायद ऐसी होया तो बड़े मसला ट्रैफिक का उम्मीद है दो तीन दिन या हफ्ते तक ठीक हो जाएगा ये काम तो अभी हम फंसे ना ट्रैफिक में देखते हैं कब निकलते हैं हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था काम था हमें ज़रा तो बारिश चेक करने लो हमें कितनी बारिश हुई हुई है पानी ही पानी है भाई पानी ही पानी तो अभी हम कुछ खाने के लिए हम लोग खाते हैं इसको फिर मिलते हैं खाने के बाद तो ये अब हमारी वापसी है तो अब हम जा रहे हैं फिर उसी रूट से ही जाएंगे इंशाल्लाह तो ये है जी मेरी वो यादगार पुल यादगार के पुल के ऊपर चढ़ गए ये देखे हमारे राइट साइड पे वो है मीनार पाकिस्तान वो बादशाह मस्जिद है तो ये है जी यादगार चौं भी कह लो यादगार पुल भी बड़े नाम है इसके तो ये है जी बत्ती चौक तो यहाँ पे बत्ती चौक पे भी हर टाइम बसें आपको नज़र आएंगी हमेशा ये कभी हो नहीं सकता बत्ती चौक पर कोई बस तो यहाँ से हर शहर हर जगह की बस मिल जाती है उड़ जाती है ये हमारे ऊपर निकल हो गया तो वहाँ चढ़ चुके हैं फिर से दोबारा अदा ये नया ड्राई डाबी के पुल पे ये हम जा रहे हैं बस तो ये हमारी आगे बस तो जा रही है पता नहीं कौन सा ये देखते हैं आगे किस क्रॉस मारते हैं अगर होती है तो ट्राई करने का क्लास होती है तो इसको फिर पकड़ते हैं देखते हैं कौन सी बस है फिर बताते हैं आपको वो जी बड़ी कोशिश की है पकड़ ही लिया वो भी उसने खुद ब्रेक लगाई तो फिर पकड़ी गई ऐसे नहीं पकड़ी गई ये तो कंपनी की बस है अमरीत के हम पहुँच चुके हैं थोड़ी अमरीत के साथ हमने यू टर्न ले लिया तो ये बहुत मेरा फेवरेट है यहाँ से अब हमने जाना है लेफ्ट लेकिन मेरा दिल काटा गया यहाँ से सीधा चले गए यहाँ पे बाई बोर्ड यूटर चट्टा ने सू क्रॉस मार्च रहे दिल तो काला जोड़ नहीं मिले घर नहीं जोड़नी पड़ी हुआ तो जो मर्जी गाड़ी साड़ी कोई माड़ी गाड़ी तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं गढ़ अब हम जा रहे हैं वापस गढ़ की तरफ ये सुनसान गलियाँ इस टाइम कोई भी नहीं है रात के 11:30 बज रहे हैं तो यही थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।